छड़ी रंजो अलम होने लगे। जब नबी की नात के मिसरे रकम होने लगे, दूर मुझसे घड़ी रंजो अलम होने लगे। जब से होंठों पर सजाया है नबी के जिक्र समाप्त कर रहे हैं, जब से होंठों पर चैनल से जुड़ने के लिए जिक्र को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर हजरत रोज आप मुराद होता है रसूल तो ये चमन इस्तारे रिसालत वासिफे शाह खुदा जनाब मोहतरम महताब रजा को समाप्त कर रहे थे और अपनी बशा में जान को मुअत्तर कर रहे थे। मैं आपसे इतनी गुजारिश कर रहा हूँ दोबारा कि आप यहाँ जब तक बैठे रहे मुस्कुराते रहे और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहे, इसलिए मुसलमानों के नबी के जलसे में बैठ के मुस्कुराना ये सहाबा की सुन्नत है और नबी के जलसे में बैठ के मुंह लटकाना ये वहाबियों का तरीका है। तो हजरत यहाँ जितने टीटीएस यानी टनाटन सुन्नी बैठे हैं वो अपने हाथों को खड़ा कर दें और एक बार अपने नबी को पुकारे मोहब्बत से, कहीं या रसूल अल्लाह, एक बार और बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह, अगरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। हजरत मैं शेर पढ़ता हूँ कि कितना ऊंचा तेरा मेयार नजर आता है, कितना ऊंचा तेरा मेयार नजर आता है, आसमां साया दीवार नजर आता है, कितना ऊंचा तेरा मेयार नजर आता है, कितना ऊंचा तेरा किरदार नजर आता है, आसमां साया दीवार नजर आता है। तूने जिस रोज से दुश्मन की अयादत की है, तूने जिस रोज से दुश्मन की अयादत की है, कुफ्र उस रोज से बीमार नजर आता है, कुफ्र उस रोज से बीमार नजर आता है। हजरत देखिए मैं शेर पढ़ता हूँ, आप हजरत कभी कभी कंजूसी कर जाते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। फांसी के फंदे पर मुजरिम को लाने के बाद जज ने पूछा था कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, मुजरिम ने कहा आखिरी ख्वाहिश यह है कि मेरी जगह आप आ जाइए। मैं शेर पढ़ू, आप खामोश बैठे रहे, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, बल्कि आप हजरत अपनी मोहब्बतों का इजहार कर दिया करें, शेर सुनने के बाद ये दिखा बता दिया करें कि यहाँ पर जितने बैठे हैं वो सब इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं। अब मैं मनकबत का शेर पढ़ता हूँ, उलमाए इकराम की तवज्जो चाहता हूँ। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना ताहिर रज़ा साहब क़िबला मुकम्मल शान ख़िताबत के साथ तशरीफ फरमा है और नकीब अहले सुन्नत हजरत दानिश रज़ा वो भी तशरीफ फरमा है। मुझे पता लगा वो बहुत अच्छी निज़ामत करते हैं, अल्लाह उनकी निज़ामत पे और चार चांद लगा दे। जरा मोहब्बत से आप हजरात आमीन कह दीजिए। हजरात मैं शेर पढ़ता हूँ मनकबत का और इस शेर को सुनने के बाद आप हजरात खामोश नहीं बैठेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं, वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं, कटे हैं बाजू मगर हौसले निठाल नहीं। देखिए शेर आप हजरात दिल के कानों से सुनिए, मैं बोलूं आप सुने सुबह को भूल जाए इससे कोई फायदा नहीं है, बल्कि काफी दिनों तक आप हजरात कोई, मैं ये दुआ कर रहा हूं कि कोई शेर ऐसा मैं पढ़कर चला जाऊं यहाँ पर कि जिस शेर को आप हजरात काफी समय तक याद रखें। शेर पढ़ता हूं मुसलमानों के, वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं, कटे हैं बाजू मगर हौसले निठाल नहीं। तारीख के करबला को अपने ज़हन में रखें, वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं, कटे हैं बाजू मगर हौसले निठाल नहीं। जमाने वालों अलमदार ऐसा होता है, जमाने वालों अलमदार ऐसा होता है, अलम की फिक्र है हाथों का कुछ ख्याल नहीं। जमाने वालों अलमदार ऐसा होता है, अलम की फिक्र है हाथों का कुछ ख्याल नहीं, अभी सितम को रुलाने में हो गए माहिर, अभी सितम को रुलाने में हो गए माहिर, अभी तो उम्र भी असगर की एक साल नहीं, अभी सितम को रुलाने में हो गए माहिर, अभी तो उम्र भी असगर की एक साल नहीं, और हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में। हजरात इस शेर का किरदार आप हजरात हैं, आप हजरात सुभान अल्लाह बोलेंगे कि अभी अभी सितम को रुलाने में हो गए माहिर, अभी तो उम्र भी असगर की एक साल नहीं, हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, किसी यजीदी खजाने में इतना माल नहीं, हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, हुसैन वाले अभी सितम को रुलाने में हो गए माहिर, अभी सितम को रुलाने में हो गए माहिर, अभी सितम को रुलाने में हो गए माहिर, अभी तो उम्र भी असगर की एक साल नहीं, और हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, किसी यजीद के दामन में इतना बाल नहीं। हजरत मेरा दिल चाहता है कि आप हजरत की इतनी अच्छी समाते हैं तो चार मिसरे और पढ़ दूं। हजरत वो चार मिसरे जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ किसी कलमा पढ़ने वाले के नहीं है, बल्कि एक शायर है गैर मुस्लिम है, उसका नाम महेंद्र सिंह है, महेंद्र सिंह नाम है। महेंद्र सिंह ने कहा था जब इमाम हुसैन की बात आई तो महेंद्र सिंह क्या कहते हैं मुसलमानों जरा गौर से सुनना, और इन मिसरों पर आप हजरात खामोश रहे तो मैं समझूंगा कि आपने मेरे साथ नाइंसाफी की है। महेंद्र सिंह नाम जहन में रखें, महेंद्र सिंह ने कहा था कि पढ़ मेरी चश्मे तर हुसैन का नाम, पढ़ मेरी चश्मे तर हुसैन का नाम है बहुत मोतबर हुसैन का नाम, पढ़ मेरी चश्मे तर हुसैन का नाम है बहुत मोतबर हुसैन का नाम, अरे घर में कोई बला ना आएगी,
घर में कोई बला ना आएगी, लिख लो दरवाजे पर हुसैन का नाम। घर में कोई बला ना आएगी, लिख लो दरवाजे पर हुसैन का नाम। आइए हजरात, मैं थोड़ा माहौल को तब्दील करता हूँ, डेवलपमेंट किया जाए और आप हजरात तकरीर सुन लें। जामे खिताब हजरत अल्लामा मौलाना आबिद हुसैन साहब के बला से मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ लाए और अपने खिताब से नवाजें, उनका इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर रिसालत की सनाओं में, और मुसलमानों फलक शिकाफ नारा लगा दें बुलंद आवाज से जरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जिक्र शहीद आजम, फैजान शहीदान करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये जमा मिधते सरकार से तर रहती है, ये जमा मिधते सरकार से तर रहती है, इसलिए रहमते मौला मेरे घर रहती है। हम गुलामाने मोहम्मद की तसव्वुर में नदीम, हर घड़ी गुम्बदे खजरा पे नजर रहती है।